नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हरियाणवी एंटरटेनमेंट न्यूज चैनल में। भाइयों, आज आप बात करांगे लिल्लो चमन की बायोग्राफी। लिल्लो चमन आखिर है कौन, इनकी प्रेम कहानी क्या है जो पाकिस्तान से शुरू होकर हिंदुस्तान में पूरी हुई। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको दबाइए, साथ में प्यारी सी घंटी को दबाइए जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। ये बात सन 1946 की है, जब भारत देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस समय पाकिस्तान के लाहौर में एक प्रेम कहानी जन्म ले रही थी। एक सेठ जानकी प्रसाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लाहौर के एक गांव में रहता था। जानकी प्रसाद के तीन बेटे थे, सबसे बड़ा देव जो शराबी था, उससे छोटा कृष्ण जो निकम्मा और बेईमान था, सबसे छोटा चमन जो पढ़ाई में होशियार था, वह राजकीय कॉलेज लाहौर में पढ़ाई करता था। चमन के पड़ोसी गांव की रहने वाली लड़की लिल्लो, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी, वो भी चमन के साथ उसी कॉलेज में पढ़ती थी। लिल्लो चमन एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। जब कॉलेज की परीक्षा चल रही थी, उस समय चमन अपने पिता से फीस के लिए पैसे मांगने गया, लेकिन उसके पिता के पास पैसे नहीं थे और घर में पड़े माँ के कंगन भी बड़ा बेटा देव शराब के लिए बेच चुका था, जिसके कारण चमन का पिता जानकी प्रसाद चोरी करने के लिए निकल पड़ता है और एक सेठ के घर से कुछ पैसे चुरा कर अपने घर आ जाता है। लेकिन पुलिस भी जानकी प्रसाद के पीछे पीछे उनके घर आ जाती है और उनको गिरफ्तार करने लगती है, लेकिन चोरी का इल्जाम चमन अपने सिर पर ले लेता है। चमन को 6 महीने की सजा हो जाती है, जिसके कारण उनके पिता का देहांत हो गया। 6 महीने की सजा काटने के बाद जब चमन घर आता है तो देखता है बड़ा भाई देव शराब के नशे में धुत पड़ा है और भाई कृष्ण भी बर्बाद हो चुका है और लिल्लो का कुछ पता नहीं है। चमन की माँ को सेठ राय बहादुर के घर कर्ज के कारण काम करना पड़ रहा है। चमन अपने भाइयों के साथ जाकर सेठ राय बहादुर के घर से अपने माँ को ले आता है और चमन को अपनी माँ से पता चलता है कि लिल्लो को भी सेठ राय बहादुर ने अपने घर में कैद कर रखा है और लिल्लो का नाम बदलकर लैला रख दिया है। तब चमन अपने भाइयों के साथ सब्जी वाला बनकर लिल्लो को छुड़ाने जाता है, जहाँ राय बहादुर के साथ खूब झगड़ा होता है और अंत में चमन लिल्लो को बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस लड़ाई में चमन के भाई कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद चमन लिल्लो से शादी कर अपने भाई देव और माँ के साथ हिंदुस्तान आ जाता है। तो भाइयों, लिल्लो चमन की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अब आपसे जाने की अनुमति लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, लव।